अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन डेवलपमेंट लेक्चर नंबर 1। इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मकसद ये है कि हम इसमें देखेंगे कि हम अपनी एप्लीकेशन को कैसे मल्टीपल पीसीज पे रन कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सोचें हमें क्या ज़रूरत है हम अपनी एप्लीकेशन को मल्टीपल पीसीज में रन करें, तो हम उसके बारे में जानते हैं आगे। पैरेलल कंप्यूटिंग। अच्छा, अब एक हमारे पास टास्क है और उसको एक सीपीयू प्रोवाइड किया हुआ है और वो टास्क एग्जीक्यूट होने में, उसका काम होने में उसको 4 आवर्स लग रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम है, एक टास्क जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, एक सीपीयू उसके पास है, तो 4 घंटे बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम उस टास्क को 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दें, उसके सब टास्क बना दें और हर सब टास्क के लिए एक एक सीपीयू उसे अलॉट कर दें, तो इस तरह से काम जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो जब काम डिवाइड हो जाएगा तो मतलब आपका कम टाइम लगेगा, कम वक्त में आपका काम हो जाएगा। जहां आपके 4 आवर्स लग रहे थे, लेट्स सपोज अब आपका 1 घंटा लग रहा है, तो अब आपका 1 घंटे में वो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा जो कि 4 आवर्स में हो रहा था। अब यहाँ देखें, यहाँ पर एक टास्क है हमारे पास, ठीक है, और उसको एक ही सीपीयू दिया हुआ है और इसको एग्जीक्यूट होने के लिए 4 आवर्स लग रहे हैं। और यहाँ पर उसके नीचे हमने उसी टास्क को 4 सब टास्क में डिवाइड कर दिए, उसके 4 पार्ट्स कर दिए, ब्रेक कर दिया उसे, और हर एक पार्ट को, हर एक टास्क, सब टास्क को हमने एक सीपीयू अलॉट कर दिया, हर एक के लिए सीपीयू। अब उस इन इस पूरे टास्क को एग्जीक्यूट होने में 1 आवर लग रहा है। तो ये एक फ़ायदा है, हमारे पास टाइम सेव होता है अगर हम अपनी एप्लीकेशन को मल्टीपल पीसीज पर रन करते हैं। जब हमारी एप्लीकेशन मल्टीपल पीसीज में सीपीयू में रन हो जाती है, उसके बाद जब वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेती है, तो फिर फाइनल में हम उसको, उस पूरी आउटपुट को मिलाते हैं और ये सारा प्रोसेस जो है वो पैरेलल कंप्यूटिंग कहलाता है। अब हम इसको एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग क्या है? एक इनपुट को यानी एक टास्क को 4 पार्ट्स में यानी कि सब टास्क में ब्रेक किया और सीपीयू हर टास्क को अलग अलग सीपीयू अलॉट कर दिया, और जब वो एग्जीक्यूशन होगी उनकी, तो फाइनल में आउटपुट को मिला दिया। इस सारे प्रोसेस को पैरेलल कंप्यूटिंग कहते हैं। इससे करने से हमारा टाइम सेव होता है। जहां हमारे पहले 4 आवर्स लग रहे थे, जब एक टास्क था और एक सीपीयू था उसमें हमारे 4 आवर्स लग रहे थे, अब हमने उसको जब ब्रेक कर दिया तो हमारे 1 आवर में सारा काम हो रहा है। तो टाइम सेव होता है, इसलिए हम अपनी एप्लीकेशन को मल्टीपल पीसीज पर रन करते हैं। तो हमने अपनी थ्रोपुट इम्प्रूव की है। थ्रोपुट क्या है? वर्क डन बाय यूनिट टाइम। इससे रिलेटेड 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक यूनिफाइड मेमोरी एक्सेस और एक नॉन यूनिफाइड मेमोरी एक्सेस। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस देख लेते हैं, UMA। ऊपर हमारे पास प्रोसेस गिवन है P1, P2 और PN तक, मतलब ये हमारे पास CPU है सारे। दरमियान में नेटवर्क कनेक्शन है जो कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। नीचे हमारे पास मेमोरी है, मेमोरी रैम M1, M2 और M तक की हमारे पास मेमोरी अवेलेबल है। कम्युनिकेशन हम इंफ्रास्ट्रक्चर या LAN के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या दिया जा रहा है? कॉन्सेप्ट ये है कि CPU सब RAM यानी जो मेमोरी है उसको एक्सेस कर सकता है। CPU क्या? P1, P2 और ये PN जो भी है, ये सारे प्रोसेस जो है ये रैम और मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि रैम और मेमोरी जो है ना, ये मेमोरी ये शेयर्ड है। P1 जितने टाइम में M1 को एक्सेस करता है ना, वो उतने ही टाइम में M2 को भी कर सकता है। ऑन द सेम टाइम वो M2 को भी कर सकता है, M3 को भी कर सकता है, MM को भी कर सकता है। यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस में एक्सेस लेटेंसी है। एक्सेस लेटेंसी का मतलब है P1 को एड्रेस मिला, एड्रेस किसका? रैम और मेमोरी, उसका एड्रेस मिला। P1 को कितना टाइम लगेगा कि वो उस एड्रेस तक पहुंचे। और लेटेंसी का क्या मतलब है? कोई भी चीज़ स्टार्ट की है तो स्टार्ट से एंड तक कितना टाइम लगा उसे, मतलब ये कि जब आपके पास इंटरप्ट आती है तो उसके अगेंस्ट इंटरप्ट हैंडलर भी आ जाता है। तो इंटरप्ट हैंडलर जो है वो स्टेट को सेव करता है फर्स्ट प्रोसेस की और लोड करता है न्यू प्रोसेस की स्टेट को। इस सब को लेटेंसी कहते हैं।
एग्जाम्पल इसकी इस तरह कि P1 को कितनी देर लगी है कि वो M1 तक पहुंचे, या P1 को कितनी देर में वो M2 तक पहुंचेगा, या P2 जो है वो कितनी देर में M2 तक पहुंचेगा। CPU लॉजिकली किसी कंटेनर बोर्ड में अवेलेबल होता है। CPU होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मीन सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब CPU इंस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, लोड करना है या स्टोर करना है, इस तरह के इंस्ट्रक्शन। CPU सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है। अगर P1 फंक्शन ऐड मल्टीप्लाई लोड स्टोर का कर रहा है तो P2 भी करेगा। नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस में क्या है कि हम एक प्रोसेस को मास्टर बना देते हैं। सपोज हम P1 जो है उसको मास्टर बना देंगे। जो इनपुट आएगा, जो इनपुट टास्क आएगा वो हम P1 के पास ही आएगा। वो P1 जो है उसको ब्रेक करेगा सब टास्क में, और बाकी प्रोसेस को वो देगा, बाकी CPU को देगा एग्जीक्यूट करने के लिए। और जब वो एग्जीक्यूट कर लेंगे तो वापस P1 के पास ही वो आएंगे सारे टास्क, और P1 उसको बाद में इंटीग्रेट करेगा। ये सारा काम है मास्टर का। मास्टर का काम होता है कि वो टास्क असाइन करे, वो ही इंफॉर्मेशन डाटा जो होता है वो देता है P2, P3 और PN को, और बाद में इंटीग्रेट भी वही करता है। इनके दरमियान इंफॉर्मेशन मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करने के दो वेज हैं, हम उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट वे जो है वो मैसेज पासिंग है, और सेकेंड वे जो है वो मैसेज पासिंग थ्रू मेमोरी है। फर्स्ट वे P1 से P2 की तरफ इंफॉर्मेशन जाए थ्रू मैसेज पासिंग। लेकिन इस तरह इंफॉर्मेशन जाने का नुकसान ये होता है, इसमें इश्यू ये आता है कि बहुत ज़्यादा डाटा होता है, तो जब P1 जो है वो P2 को मैसेज पास कर रहा होता है तो P3, P4, PN तक जो बाकी प्रोसेस हैं वो आइडियल स्टेट में होते हैं। उनके तरफ इंफॉर्मेशन नहीं आ रही होती, कोई मैसेज नहीं आ रहा होता, तो वो कुछ नहीं कर रहे होते। तो जब बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो ये अच्छा वही नहीं है। तो हम इसलिए सेकेंड वे जो है उसकी तरफ। सेकेंड वे मैसेज पासिंग थ्रू मेमोरी है। P1 ने P2 को मैसेज पास करना है, मतलब इंफॉर्मेशन पास करनी है। तो फर्स्ट वे में क्या था, P1 P2 को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा था, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा आपका कंज्यूम हो रहा था। तो अब P1 डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सेंड नहीं करेगा P2 को। P1 सिर्फ एड्रेस सेंड करेगा P2 को, और एड्रेस किसका सेंड करेगा, M1 का, और M1 को इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। P1 M1 को इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा और P2 को सिर्फ एड्रेस सेंड करेगा कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन जो है वो M1 के पास पड़ी है। फिर P2 जो है वो M1 से वो इंफॉर्मेशन ले लेगा और उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। एग्जीक्यूट करवाने के बाद आउटपुट M1 को ही देगा, और M1 जो है वो आगे दोबारा P1 को वो इंफॉर्मेशन पास कर। तो ये हमारा सेकेंड वे है जिसमें आपका टाइम भी नहीं ज़्यादा यूज़ होता। P1 किसी एक प्रोसेस को ज़्यादा टाइम नहीं देता और बाकी प्रोसेस आइडियल नहीं होते, डाटा उसे ज़्यादा नहीं ट्रांसफ़र करना होता एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वे के। तो सेकेंड वे जो है वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें टाइम जो है कम से कम यूज़ होता है। यही सारी डिस्कशन जो भी हमने की है वो यहाँ पर लिखी हुई है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जज़ाकअल्लाह।